60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर ना निकले। मैं फिर से आग्रह करता हूँ 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर ना निकले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। मैं डॉक्टर महेश गुप्ता एक्स मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और प्रेजेंटली एडमिनिस्ट्रेटर स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल जम्मू से बोल रहा हूँ। ये जो महामारी जिसके बारे में रोज चर्चा होती है, टीवी पे चर्चा होती है, गली गली में चर्चा होती है, हॉस्पिटलों में चर्चा होती है, ये COVID-19 की बीमारी जो है एक वायरस है, कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं उसकी थ्रू फैलती है। ये कोरोना वायरस जो है अक्सर जो देखा हमने कि ये बात करते, खांसी करते, छींक करते ये हवा में फैल जाता है। हवा से कई बार जो है ये टेबल, कुर्सी, मेज इन चीजों पे भी आ जाता है। इधर से भी ये चीजें इन्फेक्शन जो है एक प्राणी से दूसरे प्राणी को लगती है। मास्क पहनने से जब पेशेंट ने भी मास्क पहना हो और दूसरे एक साधारण व्यक्ति ने भी मास्क पहना हो तो इसकी इन्फेक्शन एक आदमी से पेशेंट से दूसरे पेशेंट और इंसान तक जाने में बहुत कम संभावना हो जाती है। अगर मास्क पहनना नहीं हो तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने का डर होता है, खासकर इसमें जो वृद्ध व्यवस्था के पुरुष हैं, जो 60-65 साल के ऊपर जो है सीनियर सिटीजन जिनको हम कहते हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज जिनको हम कहते हैं, जिनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इम्यून डिफिशिएंसी डिजीजेज जो होती हैं, वो हम ऐसे लोगों को या छोटे बच्चों को हम इसीलिए गवर्नमेंट ने ये हिदायतें दी हैं कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी इन लोगों को एक से दूसरे को लग जाती है और कई बार ये घातक भी सिद्ध होती है। तो इसलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितना कम से कम हम बाहर जाएं वो अच्छा है। अगर कोई बाहर जाना बहुत ही जरूरी है तो उसके हमें अपना मास्क पहन के जाना चाहिए, फालतू चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, खासकर डोर्स के हैंडल्स वगैरह, दरवाजे वगैरह इन चीजों को हमें टच करने से, छूने से परहेज करना चाहिए। उसके बाद जब भी है अपने हमें हाथों से अपने आंख, नाक और मुंह को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। और जैसे ही हम जितनी जल्दी वापिस अपने घर पहुंचते हैं तो आने के पश्चात हमें अपने हाथ साबुन से, वो कोई भी साबुन हो, ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड है, कोई भी किस्म का साबुन हो उससे अच्छी तरह कम से कम 20 सेकंड हम अपने हाथों को रगड़ते रहे। हाथ के हर कोने को, उसके टिप्स को, पाम्स को, बैक को, अंदर से बाहर से सभी जगह से हमें
साफ करके अच्छी तरह से धोने हैं। अगर हाथ से साफ नहीं किए तो आजकल ये सैनिटाइजर्स जो है वो अक्सर हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो हमें वो सैनिटाइजर्स जो है, जो अच्छी किस्म के सैनिटाइजर्स हैं, उनको लेके अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली साफ करना चाहिए। बाकी इसकी अभी तक दवाई के बारे में कोई डेफिनेट अभी दवाइयों का रोल जो है अभी तक नहीं है। हाँ, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट दवाइयां दी जा रही हैं, वैक्सीन अभी इसकी तैयार नहीं हुई है। हालांकि भारतवर्ष भी काफी हद तक तेजी से वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो हो सकता है बहुत जल्द हम भी भारतवर्ष भी बाकी देशों की तरह वैक्सीन तैयार कर लें। तो वैक्सीन जब तैयार हो जाएगी तो हम अपने लोगों को, अपने आप को, हेल्थ केयर वर्कर्स को हम इस बीमारी से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तब तक हमें अपने आप को इस बीमारी से बिल्कुल सावधान रह के अपने आप को बचाना है। उसमें आपको मास्क भी पहनने हैं, हाथ भी साफ रखने हैं। घर या पहुंचते हैं अपने काम से, देखो घर में काम तो बंद नहीं कर सकते, काम से जब घर जाएंगे उन वस्त्रों को उतार दीजिए, नहा धो के नए वस्त्र पहन दीजिए, ताकि वो इस्त्री किए हुए कपड़े हों, ताकि कोई भी इन्फेक्शन उनमें ना हो। इसको जब ये महामारी आने लगी, जब ये खासकर जब ये जनवरी फरवरी महीने के बाद जो शुरू हुई, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने पहले इसको कंटेन करने की कोशिश की। हमने बहुत लॉकडाउन भी आपने सुना होगा कि लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन करने से कोशिश यही थी कि जो मरीज जो है, मरीज उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको हम ट्रीट करें, ताकि वो कम से कम आम जनता से मिले। और ये बहुत हद तक लॉकडाउन हमारा सफल भी हुआ, उससे हमने लोग काफी बीमारों को कंटेन किया। गवर्नमेंट ने बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे बनाए जो सिर्फ कोविड हॉस्पिटल्स के ही पेशेंट्स के को ट्रीट करते थे, और अब जब के कंटेनमेंट हो गई उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ना शुरू हुआ कि आम मजदूर और किस्म का लोग, आम छोटे छोटे ये वर्कर्स हैं, वो अपने उन्होंने अपना घर चलाने के लिए उनको थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता अब जो लॉकडाउन था उसको अनलॉक करने की प्रथा शुरू हो गई है। और काफी हद तक जो हमारे भारतवर्ष में अनलॉकडाउन जो हम कहते हैं वो हो चुका है। बहुत सी चीजें, मार्केटें खुल चुकी हैं, बाजार खुल चुके हैं, गाड़ियां चल रही हैं, आम जनता अपने कामों पे आ रही है, घरों पे जा रही है। बट मेरा सभी से एक ही संदेश है कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रख के एक दूसरे, एक ये कोई पता नहीं लगता, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन मरीज है, कोविड का मरीज कौन है। तो हमें एक दूसरे से कम दो गज की दूरी बना के रखनी है। अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करना है तब भी हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि किस गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क पहनते हुए, हाथों को अपने साफ सफाई रखते हुए मैं लोगों को यही विनती करूंगा, अपने आप को बचाइए। जब तक वैक्सीन नहीं डेवलप हो जाती और जब तक दवाइयां, प्रॉपर दवाइयां नहीं आ जाती, ऐसा कि मैं इस आगे और आपको थोड़ा जागरूक करते हुए ये बताऊं कि अब इसके लक्षण जो है, इस बीमारी के लक्षण जो है वो आम फ्लू की तरह लक्षण नजर आते हैं। फीवर हो जाता है,
खांसी जुकाम लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ऐसा है कि कई बार जो है डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब हमारे पास कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी आ जाता है कि जब हमें पता लगता है कि किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ इस इंसान का कॉन्टैक्ट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास अब टेस्टिंग की सुविधा भी है जो हमारे ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री टेस्टिंग की सुविधा गवर्नमेंट ने प्रदान की हुई है। उधर जाके हम अपना फ्री टेस्ट करवा सकते हैं और गवर्नमेंट ने कई प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी, प्राइवेट लैब्स को भी परमिशन दी हुई है जिनके पास सुविधा है कि वो इन टेस्टों को कर सकते हैं। जैसे हमारे जम्मू में भी 3-4 लैब्स हैं तो जो इन टेस्ट को कर सकते हैं और इसका रेट भी गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है ताकि वो आम लोगों को फीस नहीं कर सकते, वो वही फिक्स रेट ही ले सकते हैं जो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उसी रेट के मुताबिक ही उसके ऊपर चल सकते हैं और पेशेंट से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। तो इसलिए जब भी कोई लगे कि कोई मेरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है किसी को, अब जैसे बाहर से ट्रेन आ रही हैं, बसें आ रही हैं, जहाज आ रहे हैं, उनमें से कई लोग आ रहे हैं, कई बार उनके साथ इन्फेक्शन आ जाती है और कई बार हम हॉस्पिटल्स में आए होते हैं तो उधर जो है लगता है कि मुझे किसी के साथ कॉन्टैक्ट हो चुका है तो हमें अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो टेस्ट से बहुत जल्दी पता लग जाता है कि आजकल तो कुछ टेस्ट जो है घंटों में रिजल्ट दे देते हैं, पर मैं फिर भी यही कहूँगा जो जितनी जल्दी लगे कि हमें कोई कॉन्टैक्ट हुआ है तो हमें अपने आप को टेस्ट करवा के अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए ताकि हम दूसरों को जितनी देर तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है तो उतनी देर तक हम किसी और को इन्फेक्शन ना दें।